तो पैथम की आज की क्लास में हम बात करेंगे कैलकुलेशन, ठीक है। तो वीएस कोड भी ओपन करते हैं, पैथम को कैसे करना है, क्या करना है, कैसे हो, ये सब लोग जान चुके हैं, छोटे मोटे प्रोग्रामिंग भी बना चुके हैं, राइट। चल तो हम डेटा टाइप्स के बारे में भी ओवरव्यू ले चुके हैं। आज हम बात करेंगे जो है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन को हम बोलते हैं ऑपरेशन, ऑपरेशंस इन पैथम, राइट, ऑपरेशन इन पैथम। तो यहां पे आते हैं, प्लस करते हैं, और यहां पे आज हमारा थर्ड क्लास है, तो थर्ड कैप्स में डबल हाफ कैप लगा। सर आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। एक मिनट, अब दिख रही है स्क्रीन? रिकॉर्ड हो रहा है ना सर? जी जी बिल्कुल। तो यहां पे हमने थर्ड थर्ड डॉट पी आई का फाइल बनाया, ऑपरेशन। तो ये समझिए कि ऑपरेशन आखिर होते कितने तरह। सबसे पहले होता है अरिथमेटिक ऑपरेशंस, असाइनमेंट ऑपरेशंस, रिलेशनल ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, बुलियन ऑपरेशंस, ये बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं जिसके बारे में हम बात। सबसे पहले हम बात करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में, कि हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैसे यूज करेंगे। जैसे हमने ए इक्वल, यहां पे ए इक्वल टू 10 एंड बी इक्वल टू 20 ले लिया। अब सी इक्वल टू मैं ए प्लस बी कर सकता हूं, ठीक है। सी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी कर सकता हूं, नैन्सी इक्वल टू मैं यहां पे ए डिवाइड बाय बी कर सकता हूं। इतना तो आप जानते ही। अब जैसे मैंने ए डिवाइड बाय बी किया तो इस तरह का रेड सिंबल आ, तो अगर मैं इस वेरिएबल को चेंज करके सी की जगह डी कर दूं बी, मैं बी डिवाइड बाय ए, नहीं आओ, यहां डिवाइड का सिंबल अलग है, डिवाइड का सिंबल अलग है। तो यहां ध्यान रखिएगा, यहां डिवाइड पाइथन में डिवाइड का सिंबल ए नहीं है, डिवाइड का सिंबल कौन सा है, ए वाला है, ठीक है। तो ये आ गया आपका ए, तो आप जानते ही हैं कि प्लस करना, मल्टीप्लाई करना, माइनस करना। हाँ, माइनस भी लगा सकते हैं, सी इक्वल टू ए माइनस बी, ये भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है इसमें मॉड्यूलर। जैसे हम यहां पे करते हैं, तो मान लीजिए कि अगर यहां ए जो है 14 है तो बी 5, ठीक है, बी क्या है 5 है। अगर मैं यहां सी इक्वल टू ए और इसमें हमने परसेंट का सिंबल लगा के बी किया तो क्या होगा, रिजल्ट 4 आए। क्यों आएगा, क्योंकि 14 को 5 से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह से कटेगा नहीं, तो शेषफल क्या बचेगा, शेषफल 4 बचेगा ना।
तो जो रिमाइंडर होता है वो निकालने का काम करता है आपका ये। ठीक है, ऐसे मुझे बी इक्वल टू बी और डबल स्टार और यहां पे टू किया तो ये क्या करेगा, बी का पावर टू कर, क्या करेगा सर, ए बी का पावर टू कर। उसी तरह से अगर मैं सी इक्वल टू अगर हमने किया ए डिवाइड बाय बी, तो इधर लो नॉर्मल है, इसमें हम डबल स्लैश बी करेंगे तो क्या होगा कि हमारा रिजल्ट डेसिमल में नहीं आएगा। किसमें नहीं आएगा, डेसिमल में नहीं आएगा, राउंड करें। पिछले एक बार समझाते हैं सिंपली, ये हम जस्ट प्लस कर रहे हैं, ये हमारा मल्टीप्लाई है, ये हमारा डिवाइड है, ये हमारा माइनस है, ये हमारा मोड है, ये हमारा स्क्वायर है उसकी पावर है, और ये हमारा डिवाइड विदाउट डेसिमल। ठीक है, अब इन सबको मैं एक एक करके क्या कर रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको कि ए इक्वल टू मैंने मान लीजिए 10 और बी इक्वल टू हमने 20, सी इक्वल टू हमने ए प्लस बी, और यहां पे प्रिंट करता हूं प्रिंट, एक एक करके एग्जाम्पल के साथ रिजल्ट भी आपको दिखाते हैं यहाँ। हाँ ठीक है, तो ए प्लस क्या करेगा, दोनों वेरिएबल्स को प्लस करके रिजल्ट 30 दे दिया। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो दोनों का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देगा। अब मैं यहाँ पे माइनस करूं तो दोनों को माइनस कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे डिवाइड करना है तो यहाँ पे मैंने 14 और यहाँ पे मैंने 5 ले लिया, राइट। अगर मैं ए को बी से डिवाइड करता हूं रिजल्ट क्या आएगा, देखिए आपके सामने रिजल्ट यहां पे 2.8 आया, लेकिन अगर मैंने यहां पे डबल स्लैश लगा दिया तब क्या रिजल्ट आएगा, जस्ट दो रिजल्ट आया। तो डबल स्लैश और स्लैश जो डिवाइड का सिंबल होता है उसके बीच में डिफरेंस क्या होता है, डबल स्लैश जस्ट डिवाइड करता है, और रिजल्ट अगर नंबर डेसिमल में आया तो डेसिमल में शो कर दे, और आपका जो डबल स्लैश अगर हम लगाएंगे तो आपका रिजल्ट डेसिमल में नहीं आया, आपका रिजल्ट होल में आया, मतलब कि डेसिमल को छोड़ देगा। उसी तरह से अगर मान लीजिए यहां पे हम परसेंटेज लगा दिए तो क्या होगा, यहां पे 4 आया, 4 आया मतलब ये दोनों के बीच का डिवाइड हुआ यहां पे 4 गया। उसी तरह से यहां पे अगर मैं सी पे बी का ये लेना चाहता हूं, पावर लेना चाहता हूं, तो डबल मल्टीप्लाई बाई टू किया तो 14 का स्क्वायर मिलेगा, जो बी तो 5 है ना, 5 का स्क्वायर स्क्वायर निकालने के लिए काम। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें अभी तक? तो चलिए कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, कुछ कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, कुछ कैलकुलेशन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम चाहते हैं ए निकाल,
यहाँ पे मान लीजिए कि बी यहाँ पे बार हमने कोई प्रोडक्ट को 50 रुपीज में बाय किया, सेल किसी प्रोडक्ट को हमने 55 में सेल किया, तो मुझे यहाँ पे ग्रोथ परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है हमें? ग्रोथ परसेंटेज। तो ग्रोथ परसेंटेज के लिए कैलकुलेशन क्या है कि लेटेस्ट मतलब सेल माइनस बाय डिवाइड बाय बार। ठीक है, अब यहां पे प्रिंट करता हूं मैं, प्रिंट प्रिंट यहां मैंने दिया कि एंटर एंटर नहीं प्रॉफिट फिट इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू। अब यहां पे अगर मैं कॉमा सी दे दूंगा तो एक गलत होगा। क्यों गलत होगा बता? ये प्रॉफिट परसेंटेज इज 54, सॉरी यहाँ यहाँ रिजल्ट गलत आया। रिजल्ट गलत क्या है कि यहां भी आपको कैलकुलेशन करते समय बोर्ड मास मेथड का यूज करना होगा, क्योंकि इसने क्या किया, पहले बी को बी से डिवाइड किया, रिजल्ट वन आया और उस वन को एस से माइनस कर दिया। तो हमें इसको ब्रैकेट में बोर्ड मास मेथड जो होता है उसको रखना हो। सॉरी, अब मैं इसको रन करता हूं तो देखिए वन है, बट मुझे इसको 10% दिखाना। तो सी इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाय 100 या ऊपर ही ब्राइक सब ब्राइकेट में रख लें और इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, क्योंकि इसमें एक्सेल की तरह फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। और फिर यहाँ पे हमने परसेंट का सिंबल दे दिया, तो आप देखिए ये आपका 10% आ गया। ठीक है, तो हमने क्या निकाला? हमने निकाला प्रॉफिट परसेंटेज। अगर मेरे पास बाय और सेल है तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगा, ये हमने आपके साथ निकाला। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? नो सर। आगे बढ़ते थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इस बार मैं यहां पे लोन निकाल रहा हूं, लोन कैलकुलेशन। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहां पे प्रिंसिपल लिया है, प्रिंसिपल हमारा 50,000, रेट है हमारे पास रेट जो कि 10% है, सिर्फ 10 दे दिया मैंने, और टाइम जो कि 3 ईयर। अब मुझे इस पे क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट विथ अमाउंट प्लस अमाउंट। प्रॉब्लम ये है कि इसमें इंटरेस्ट निकालने का हो सकता है मैथमेटिकल मॉड्यूल में फॉर्मूला हो, लेकिन अभी तक मैंने मैथमेटिकल मॉड्यूल को ये नहीं किया है, पिप नहीं किया है। तो मैं चाहता हूं कि जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है ना, जैसे पेन पेपर से करते हैं, जैसे पेन पेपर में मिला तो हम क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे कि अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय वन प्लस आर डिवाइड बाय एन, एन 12 होगा मंथली के लिए, पावर ऑफ टी मल्टीप्लाई बाय एन। अब इस मैथमेटिकल इक्वेशन को मुझे पाइथन में कैलकुलेट करना। हमारे पास पी है, हमारे पास आर है, हमारे पास
टी है, एन बाय डिफॉल्ट 12 होता है और मुझे इसको लगाना, ठीक है। तो चलिए वीएस कोड पे वापस चलते हैं। सबसे पहले आर को कन्वर्ट करना है डेसिमल, क्योंकि 10 गलत है, तो हम यहां पे लिखेंगे आर इक्वल टू आर डिवाइड बाई 100, ठीक है। अब यहां पे लेते हैं अमाउंट के लिए ए इक्वल टू पी, पी मल्टीप्लाई बाय इन दी ब्रैकेट 1 प्लस अगेन इन दी ब्रैकेट आर डिवाइड बाय 12, ठीक है। देन पावर, पावर के क्या लेंगे डबल कोटेशन, और यहां पे लिखेंगे पी मल्टीप्लाई बाय एन, क्या लिखेंगे एन मतलब 12, और इन सबको ब्रैकेट से सेपरेट करेंगे ताकि आफ्टर दैट पी से मल्टीप्लाई हो जाए। अब यहां पे लिखते हैं प्रिंट, प्रिंट में यहां लिखेंगे द अमाउंट इज, यहां पे कॉमा, हम ए को कॉल कर लें। अब यहां पे रन करते हैं, आ गया 67,000। अब इसको एक बार चेक करते हैं कि रिजल्ट सही है या गलत है। यहां पे पी हमारा क्या होगा 50,000, आर क्या है 10% और टी क्या है 3 CR। तो एक्सेल में एक फॉर्मूला होता है ना सर, कौन सा पीवी एफ बी फ्यूचर वैल्यू, तो रेट डिवाइड बाय 12 टाइम मल्टीप्लाई बाय 12, पीएमटी नहीं है एफ पीवी है 50,000, 67,409.09 बिल्कुल सही है, समझे। ए राउंड नहीं है, बहुत सारे डेसिमल्स है, तो हम यहाँ पे ए इक्वल टू लगाते हैं फॉर्मूला राउंड, राउंड का प्री डिफाइंड फॉर्मूला है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे ए और मैंने दे दिया कॉमा 2, रन कीजिए। अब 0.9 ही है, अगर मैं यहाँ पे कॉमा 0 कर दिया तो क्या होगा, ठीक है। अब यहां पर राउंड हटा देता हूं, सिर्फ नंबर लिखता हूं तो क्या होगा, 0 हटा दिए तो सिर्फ नंबर आया, तो राउंड से क्या करते हैं नंबर को राउंड। तो यहां पे हमने लोन कैलकुलेट किया, क्या सर कोई दिक्कत इसको इस कोड में, चलिए कोई तो दिक्कत नहीं है, अच्छी बात। सर अब अगला चलते हैं, अब अगले एग्जाम्पल यहां पे देखते हैं इसी मैथमेटिक में, और मुझे एमआरपी निकाल, तो कॉस्ट सी इक्वल टू किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट मैंने यहाँ पे डिफाइन कर लिया, या इनपुट से ले भी सकते हैं, तो आप देख लीजिएगा प्रैक्टिस करते समय। तो सी इक्वल टू हमने यहाँ पे दिया 50, अब मुझे यहाँ पे क्या निकालना है एमआरपी निकालना है, तो एम इक्वल टू कैसे करेंगे, तो जो मैन्युफैक्चरर है ना, वो मैन्युफैक्चर क्या करता है
बोलता है कि मैं 50 रुपए का सामान बनाता हूँ, मुझे 2.5% चाहिए, और 2.5% हम 5% चाहिए, 5% हम ऐड करके बेच देंगे। तो इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 1.05 से, किसको, एम को, एम इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाय 1.05, एम ने सी से सी होना होगा, सी इक्वल। देखा इस पे एम लिखा तो ये गड़बड़ बता दिया, क्योंकि एम की वैल्यू कुछ नहीं है ना, इसलिए देखा यहाँ पे लाइनिंग दे दिया। तो सी इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 1.0। ये भी कर सकते हैं, या दूसरा क्या है कि सी प्लस इन दी ब्राइकेट सी मल्टीप्लाई बाय 0.05। अब यहाँ जो आपका परसेंटेज आप लिखते हैं, तो यहाँ पे हम 5% का सिंबल नहीं दे सकते, यहाँ को डेसिमल में लिखना पड़ेगा, तो या फिर डेसिमल में दे दें या फिर उसमें डिवाइड बाय 100 कर दें, आपके ऊपर है। तो दो तरीके बताएं, एक तो आप ये ले, फिर डिस्ट्रीब्यूटर कहता है कि जो खरीद है मेरा उस पर 10% लूंगा, तो एम मल्टीप्लाई बाय 1.110, सॉरी। तो इससे क्या होगा, देखिए यहां पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कैलकुलेशन ट्रिक से सारे, कि अगर मैं 50 में, हम मुझे 50 का 10% ऐड चाहिए, तो यहां पे हम इसको मल्टीप्लाई बाय 1.10 कर दूं तो आ जाएगा 55, या फिर इसमें मैं 110% भी लिख सकता हूं, या फिर मैं इसको कर सकता हूं कि भाई इसका मल्टीप्लाई बाय 10% और फिर इसमें प्लस कर सकता हूं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लेना चाहते हैं, ठीक है। तो यहां पे 10% का सिंबल नहीं लगा सकता, यहां पे डालो। फिर मैंने बोला कि एम इक्वल टू एम का 1.15% इक्वल मांग रहा है, ये मांग रहा है आपका होलसेलर, मतलब मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, 5% लेके दे दिया डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया 10% लेके दे दिया रिटेलर, इसको होलसेलर को, होलसेलर क्या कर रहा है 15% रखता है अपनी खरीद का, यहाँ पे क्या हो रहा है 15% अपने खरीद का लेके दे दिया किसको, कंज्यूमर, इसको रिटेलर को, रिटेलर फाइनली अपने खरीद पे 20% का कमीशन रख के दे देता है कंज्यूमर। यहां पे हम देंगे प्रिंट, लिखते हैं द एम आर पी इज, यहां पे कॉमा हम कर देते हैं, रन कीजिए, रिजल्ट यहां 79 आया। अब इसको एम को राउंड करना है, तो एम इक्वल टू राउंड और इसके अंदर एम डाल दीजिए, ये आपका 69 है, आई थिंक एट, यहाँ पे देखिए 80 होना चाहिए, 80 हो गया। लेकिन मान लीजिए मुझे डेसिमल्स रिमूव करने हैं, मतलब कि मुझे राउंड नहीं करना है, तो क्या करेंगे सर, एम इक्वल टू इंट, और इंट के अंदर क्या दे देंगे एम को। अब देखिए जस्ट 79 है, राउंड नहीं किया इसे, डेसिमल को रिमूव कर। तो यहां पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हम अपने वेरिएबल्स को ये कर सकते हैं, जब आप एक बार वैल्यू डाला फिर दोबारा वैल्यू डालेंगे तो आपके वेरिएबल्स पहले वैल्यू को रिप्लेस कर देगा, समझ गए। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पे एक मिनट क्या हो गया, यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया कि m इक्वल टू 10 और फिर यहाँ पे m इक्वल टू 20 करूंगा, तो क्या होगा 10 रिप्लेस बाय 20 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे m इक्वल टू m प्लस 20 किया तो 10 प्लस 20 हो जाएगा, मतलब कि हम जब जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, जो चलता है ना, पहले चलता है हमारा राइट साइड वाला चलता है, राइट साइड वाली वैल्यू कैलकुलेट होके लेफ्ट साइड वाले पे अपडेट करता है। तो
तो हम क्या कर सकते हैं कि अपना वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं, मतलब उसी वेरिएबल्स के अंदर हम उसी वेरिएबल्स पे उसी वेरिएबल्स के अंदर कुछ जोड़ के घटा के हम उसको अपडेट कर सकते हैं। मेरा कंसेप्ट समझे कि नहीं, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं सुरेंद्र जी, समझ में आया? हेलो जी सर, हाँ जी, आ गया। इसी तरह के और भी बहुत सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो सकते हैं, ठीक है? तो वो प्रैक्टिस आपको करना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक मेरे पास है जो कि मैं एक्सेल की मैथमेटिकल कैलकुलेशन में देता हूं, इस को मैं ग्रुप में डालता हूं, आप लोग इन सबको ट्राई करके मुझे भेजिए, ठीक है? इसपे कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन दिया हुआ है, उसको आपको पैथन में सॉल्व कर, छोटे छोटे हैं, बड़े नहीं है, ठीक है? ओके और करके मुझे भेजिएगा, समझिए इस वीकेंड का आपका क्या होगा, ये होमवर्क होगा। अब अगले चौपड़ के अगले उसकी बात करते हैं, इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है? असाइनमेंट ऑपरेटर, अभी जो हमने सीखा वो क्या सीखा, मैथमेटिकल ऑपरेटर सीखा, क्या सीखा? मैथमेटिकल ऑपरेटर मतलब कि हम अपने डेटास के साथ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हमने आपके साथ डिवाइड किया बात की। अब मैथमेटिकल के बाद हम बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, क्या बात करते हैं, सॉरी असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे कि यहाँ पे x इक्वल टू हमने 20 ले लिया, y इक्वल टू हमने 30 ले लिया, अब z के ऊपर मैं यहाँ पे इजिली यहाँ पे x प्लस y करके उस वैल्यू को सॉल्व कर दिया। तो किसी भी इसके ऊपर वेरिएबल्स के ऊपर हम इस तरह से x प्लस y कर सकते। एक तरीका और भी है कि मुझे मान लीजिए जेड के ऊपर एक्स को असाइन कर, तो मैं यहां पे जेड प्लस क्या कर दूंगा एक्स, ये गलत हो गया यहां पे। मान लीजिए मुझे एक्स में वाई को जोड़ना है, तो यहां पे लिख सकता हूं एक्स प्लस वाई, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक तरीका तो ये है। या फिर हम दूसरा तरीका दे सकते हैं कि एक्स प्लस इक्वल वाई, एक्स प्लस इक्वल वाई। तो अगर आप प्लस इक्वल की साइन लगाते हैं तो क्या होगा कि वेरिएबल उसके अंदर प्लस हो के साइन होगा, ठीक है? मतलब कि अगर मैं अभी इसको रन करूं तो आप देखेंगे कि आपका 50 रिजल्ट आएगा, क्योंकि एक्स 20 पहले से है और इसमें वाई 30 ऐड हो जाएगा। उसी तरह से एक्स माइनस प्लस इक्वल टू वाई, ऐसे ही आपका एक्स यहां पे एक्स मल्टीप्लाई इक्वल वाई, ऐसे आपको डिवाइड करना है तो आपका एक्स डिवाइड इक्वल वाई, ऐसे आपको मॉड्यूल निकालना है तो एक्स मॉड्यूल इक्वल वाई, ऐसे आपको पावर निकालना है तो एक्स पावर इक्वल वाई, ऐसे आपको डिवाइड विदाउट डेसिमल करना चाहते हैं तो एक्स डबल डिवाइड इक्वल वाई, मतलब कि आप इस तरह से भी असाइन कर सकते हैं प्लस कर। समझ में आया मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं? एक
इसको कर ले, या फिर दूसरा तरीका था जो हम लोग नॉर्मली एक्सेल में भी यूज करते हैं, वह है एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब आपको चूज करना है कि आप एक इस वाले मेथड को लेना चाहेंगे या इस वाले मेथड को लेना चाहेंगे, ठीक है। रन किया तो वो आंसर कैसे देगा? बिकॉज क्यों नहीं लेगा? वे आंसर जो आएगा अभी अभी तो गलत आएगा, क्योंकि मैंने सबको लिख दिया वे कंठे। मैं एक बार करता हूँ, दोबारा से करता। मैंने यहाँ पे लिखा कि ए इक्वल टू 20, राइट। अब मुझे ए के अंदर 30 ऐड करने, फिर 10 ऐड करके 30 रिजल्ट चाहिए। तो ए प्लस इक्वल्स, यहाँ पे हमने 10 कर दिया, यहाँ पे लगता हूँ प्रिंट, प्रिंट पे हमने ए दे दिया, रिजल्ट क्या आएगा? 30 आएगा। देखिए आया 30, समझे। तो मैं एक और नहीं पूछ रहा हूं कि ए आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं इस तरह से ए प्लस 10, इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से। तो ए आप क्या, आपका ए, आप ये जो चीजें हम मोस्टली हर जगह भी यूज करते हैं, लेकिन जो नीचे वाला है उसे पाइथन में ही यूज होता है, समझ गया? दिक्कत तो नहीं है? तो ये दो नंबर में जो है वो भी यूज कर सकते जी हाँ, दो नंबर पे, दो नंबर का इन्वर्सल है ये, मोस्टली प्रोग्रामिंग में इसी तरह से यूज की जाती है। बट तीसरा नंबर जो है कंसेप्ट में, तीसरा नंबर जो है वो एक्सेल में यूज होता है, ये पाइथन में यूज होता है हर जगह, मोस्टली जगह पे कोड पे आप देखोगे इस तरह से यूज करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे एक चीज और भी है कि मुझे मान लीजिए मेरे पास ए और बी है, और मुझे ए और बी दोनों पे क्या साइन करना है? 10 10 साइन करना। तो मैं यहां पे ए इक्वल बी इक्वल हमने कर दिया 10, और यहां पे मैं करता हूं सी इक्वल टू ए प्लस बी। तो रिजल्ट क्या आएगा सर? यहां पे सी रिजल्ट देख लीजिए, 20 आया। तो एक साथ हम मान लीजिए, एक मान लीजिए कोई एक वैल्यू है, मुझे उसको दो तीन वेरिएबल पे एक साथ करना है, तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं एक साथ। लेकिन मान लीजिए अलग अलग है, मुझे ए पे कुछ और असाइन करना है, बी पे कुछ और असाइन करना है, समझे। तो यहां लिखने का तरीका है कि ऐसे लिख सकते, ए इक्वल टू 10 और बी इक्वल टू 20, राइट। या फिर इकट्ठे कर सकते हैं हम यहां पे, कि ए यहां पे हमने दिया सेमी कॉलन, कॉलन होगा सेमी कॉलन नहीं, और बी इक्वल टू 20 एक लाइन में लिख सकते हैं, या 30 जो भी, ठीक है सर। या दूसरा तरीका क्या है, यहां पे लिख सकता हूं ए कॉमा बी इक्वल टू 10, 20, ठीक है सर। तो ए असाइन करने का तरीका है, दो है, दो से ज्यादा भी होगा, तीन चार पांच वैल्यू भी आप कर सकते, ओके। जो कोई कंफ्यूजन इसमें, अब ये सब चीजें याद करने पड़ी है, याद रखिएगा, और याद नहीं करनी है तो इसको काफी सारे जगह पे यूज करना, ठीक है ना। असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद हम तीसरा ऑपरेटर करेंगे,
वो है रिलेशनल ऑपरेटर्स, या हम इसको लोग हाँ रिलेशनल ऑपरेटर या आप लॉजिकल ऑपरेटर भी कह सकते, ठीक है? क्या कह सकते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर। चलिए क्या है, चलिए बात करते हैं। जैसे कि यहां पे a इक्वल टू 10 कर दिया और b इक्वल टू 20 कर दिया, ठीक है? अब मुझे पता करना है कि क्या a ग्रेटर देन बी है, तो सी के ऊपर हमने बोला ए ग्रेटर देन बी, तो सी क्या हो गया? बुलियन वैल्यू। बुलियन वैल्यू का मतलब जो ट्रू फॉल्स को कैरी करता है, किसको कैरी करता है? ट्रू फॉल्स को। याद है क्या क्या फॉल्स? फॉल्स ठीक है। तो यहां हम अगर दोनों को कंपेयर करना है तो क्या लेंगे? सबसे पहले इक्वल अगर करना है तो हम डबल इक्वल लेंगे। ध्यान रखिएगा पाइथन के अंदर में जैसे एक्सेल में लोग या वीवीए में करते हैं ना कि भाई यहाँ पे 50 इक्वल टू 5, 50 इक्वल टू 5, एंटर मारते रिजल्ट ट्रू या फॉल्स आता है। तो यहाँ पाइथन में अगर आपने सिंगल इक्वल दिया, इसका मतलब है कि आप उसके ऊपर वैल्यू असाइन कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। आप डबल इक्वल देंगे तभी समझेगा कि हम दोनों को आप कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है? दोनों को कंपेयर कर, तो क्या क्या है याद देखिए, c इक्वल टू मैं यहां कर सकता हूं a ग्रेटर देन b या c इक्वल टू a ग्रेटर देन इक्वल टू b, c इक्वल टू a लेस देन b, c इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b, ठीक है? और यहां पे एक आता है a c इक्वल टू a नॉट इक्वल टू b। तो ये क्या हो गया आपका? इक्वल टू ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन, लेस देन इक्वल टू, और ये आ गया आपका नॉट इक्वल टू। रिजल्ट क्या देगा? जस्ट ट्रू या फॉल्स। क्या देगा? ट्रू एंड फॉल्स। इसका यूज जनरली हम लोग कहां करते हैं? इफ कंडीशंस के अंदर। इफ कंडीशंस होते हैं, इफ पे यूज करते हैं। जैसे मैंने a इक्वल टू 1 कर दिया, मुझे चेक करना है कि a जो है ग्रेटर देन 0 है या नहीं। इफ कंडीशन होगा कि इफ a इज ग्रेटर देन 0 नहीं होगा, सॉरी। अब देखें तो ए इसके अंदर आ गया चाइल्ड पेरेंट, अगर मैं इसके लिखूंगा तो इफ के बराबर होगा, बट मुझे प्रिंट देना है तो इफ के प्रिंट इफ का चाइल्ड है तो मुझे उसके नीचे डालना हो प्रिंट यस या नो, जो भी लिखना चाहते लिख दीजिए, और एंटर मारा। अब मुझे एल्स देना है, एल्स कौन है? चाइल्ड इफ का वाई है तो मुझे एल्स यहां देना है, और मुझे प्रिंट नो करना है यहां पे, तो प्रिंट नो इस तरह से। ये आगे मैं बताऊंगा आपको। अब यहां पे एंड इफ वगैरह करने की जरूरत नहीं होती है, ये सर। तो इसका यूज मोस्टली कहां होता है? लॉजिकल ऑपरेटर। मान लीजिए अब यहां पे काम और कर, लॉजिकल ऑपरेशन की बात हो रही है, तो एक चीज और यहां पर, यहां पे लिखा मैंने a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू ऑल्सो 1, ठीक है? तो मैं यहां दे सकता हूं सिंपली a इक्वल b इक्वल c, यहां पे डी इक्वल टू करता हूं, अभी आएगा प्रिंट। प्रिंट में क्या आना चाहिए? फॉल्स आना चाहिए। फॉल्स है अगर यहां पे मैं
वन कर दो तो रिजल्ट क्या आएगा, टू आएगा। मतलब यहां एक साथ जो है दो या तीन वेरिएबल्स को आपस में इक्वल कर सकते, इसमें एंड वैंड लगाने का जरूरत नहीं है। हालांकि एंड लगता है, लेकिन अगर मान लीजिए सब पे मुझे एक ही चीज चेक करना है तो एंड की जरूरत ही नहीं है, एक साथ इस तरह से लिखते हैं। और जरूरी नहीं कि सिर्फ हम इक्वल ही दें, हम ग्रेटर देन भी कर सकते। मुझे पता करना है कि सारे के सारे जो एबीसी जो तीनों है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। क्या लिखेंगे, ए ग्रेटर देन जीरो, बी ग्रेटर देन जीरो, सी ग्रेटर देन जीरो। सॉरी गलत लिख दिया क्या हमने, डेट क्यों आ रहा है, ए ग्रेटर देन जीरो, सॉरी सॉरी हाँ ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन जीरो, ऐसा लिखना। मतलब हर में ग्रेटर देन जीरो नहीं करना है, ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, और सी बड़ा है जीरो से, समझे। रिजल्ट फॉल्स आया डी का, बड़ा या बराबर देना पड़ेगा। हमने बड़ा कर दिया ना, तो इसने जीरो से बड़ा नहीं किया, इसने चेक किया है क्या ए बी से बड़ा है, क्या बी सी से बड़ा है, और क्या सी जीरो से बड़ा है। तीनों एक वैल्यू थी ना, इसलिए से कंफ्यूजन हो गया। तो लॉजिकल ऑपरेशन समझ में आ गया। अब यहां पे एक चीज और भी है, एक मिनट एक चीज और समझ लीजिए। यहां पे जैसे कि मैंने यहां पे दे दिया कि ए इक्वल टू 10, तो मुझे बताना है कि जो एक्स है वो 10 से, 10 जो है एक्स से छोटा, यहां पर मान लीजिए 10 नहीं, हाँ 15 कर देता हूं। तो मुझे चेक करना है कि क्या ए जो है वो हमारा 10 से बड़ा है और 20 से छोटा है, बिटवीन। तो क्या लेंगे, यहां पे लिखता हूं मैं सी इक्वल टू कि 10 यहां पे दे दिया मैंने ए, और ए हमने दे दिया लेस देन 20। जो 10 जो है छोटा है ए से, और 20 जो है ए जो है छोटा है 20 से, तो बिटवीन हो गया। जैसे मुझे पता करना है कि मान लीजिए कि मैं ए पे डली वैल्यू वो हमारा 50 या 80 के बीच में है या नहीं, तो क्या करें। तो यहां पे हम लिखेंगे कि 50 लेस देन इक्वल टू ए, और अगेन लेस देन इक्वल टू 80। अब इसके ऊपर अगर मैं 55 देता हूं तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। ट्रू आया। अगर मैं यहां पे 55 की जगह पे 95 किया तो क्या रिजल्ट आना चाहिए, फॉल्स। तो यहां बिटवीन वगैरह देने के लिए आपको एंड लगाने की जरूरत नहीं है, आप इस तरह से भी दे सकते हैं, समझे सर। बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। जैसे यहां पे लगाया वैल्यू, तो यहां हम सिंपली कर सकते हैं कि डी यहां पे सी इक्वल टू ऑपरेशन दे सकते हैं। कि ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 एंड बी इज
सॉरी, ए इज लेस देन इक्वल टू 30, इसको हम एंड के जरिए भी कर सकते हैं। रिजल्ट यहां फॉल्स आया क्योंकि 95 है, इसलिए। तो आप इस मेथड यूज करें या इसके बीच में एंड लगा। मल्टीपल कई सारे कंडीशंस होते हैं और कॉम्प्लिकेशन कॉम्प्लिकेशन होती है, तो इसी मेथड का यूज करते हैं। सिंपल है तो इसको यूज कर लेते। एंड के जगह पे एक और आता है, ठीक है ना। और तो जैसे कि यहां मान लीजिए कि मैंने यहां पे दिया कि बी इक्वल टू डेज दे दिया मैंने, डेज मान लीजिए संडे, मुझे देना है कि सैटरडे या संडे ने, क्या है सैटरडे एंड संडे, जस्ट चेक करना है। एफ इक्वल टू मैंने लिख दिया डी इक्वल टू में संडे, ठीक है। एंड यहां पे दिया फंक्शन और का कि डी, अभी इक्वल यहां पे देखिए इक्वल टू के लिए हमें डबल इक्वल करना है, ध्यान रखिए इक्वल टू नहीं होगा डबल इक्वल टू होगा, एंड डी इज सैटरडे। तो सैटरडे एंड संडे उसमें से कोई भी एक होगा तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, रिजल्ट ट्रू आएगा। क्या आएगा रिजल्ट, यहां पे ट्रू आएगा। अब आगे चल के इफ फॉर्मूला या कुछ और लगा के इसी ट्रू फॉल्स को आगे हम अपने कंडीशंस में ऐड कर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तीन कंडीशन होंगे तो बस ये आगे और जी हाँ, तीन बिल्कुल दी, और या एंड आगे लगाइए और कंडीशन लगाते चले जाइए, इसका कोई लिमिट नहीं, ठीक है। ठीक है ना, एंड या होंगे। देखिए हमने बताया ना आपको ऑपरेशंस के बारे में अभी थोड़ा देर पहले, डबल इक्वल टू के मैच के लिए होता है। अगर सिंगल इक्वल टू लगाते हैं तो वो असाइन करता है, क्या करता है, वैल्यू को असाइन करता है। यहां मैंने बताया आपको देखिए यहां पे कि अगर आप एक सिंगल इक्वल लगेंगे तो वैल्यू असाइन हुआ मतलब कि स्टोर हुआ, डबल इक्वल टू डालिएगा तो कंपेयर हुआ, समझे। तो आपको जब भी कंपेयर करना है तो क्या करेंगे, डबल इक्वल टू, वैल्यू असाइन करनी है तो सिंगल और डबल कंपेयर करना, बस यही है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, वीवीए वगैरह बाकी प्रोग्रामिंग में जस्ट इक्वल करते हैं, आदत इक्वल की है, तो यहाँ पे मोस्टली टाइम मिस्टेक हो जाता है। इसमें एक आता है नॉट, क्या आता है नॉट, नॉट में डेडलाइन क्यों आ रहा है, ओके ओके ओके। एक मिनट, स्मॉल प्रोग्रामिंग होना चाहिए, यहाँ पे होता है एफ एफ इक्वल टू नॉट, तो एफ क्या करता है वो रिटर्न करता है ए, ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू, उल्टा कर देता है नॉट, ठीक है। फॉल्स होगा तो उसको ट्रू कर देगा, ट्रू होगा इसको फॉल्स कर देगा, क्लियर है। तो एक बार फिर से बताइए, समझ नहीं आया। उल्टा कर देता है यस को नो, नो को यस, जैसे मान लीजिए आपने कंडीशन लगाया कि भाई मेरा प्रोग्राम जो है ग्रेटर देन 50 और बहुत सारे कंडीशन लगा दिया, इस कंडीशन चले तो मेरा प्रोग्राम चलना चाहिए,
बाद में पता चला नहीं, मुझे ये सारे कंडीशंस में प्रोग्राम चलाने नहीं है, ये कंडीशन ना हो तो चलाने हैं। तो सारे कंडीशन चेंज करने की जगह पे आप नॉट लगा दीजिए, वो जैसे रिजल्ट फॉल्स आएगा उसको ट्रू कर देगा, ट्रू आएगा उसको फॉल्स कर देगा, समझे कि नहीं? अब कंफ्यूजन इसमें नो सर। आज की जो क्लासेस लिया है उस क्लासेस को मैं एक उसकी जो पीडीएफ है वो आपको मैं भेज रहा हूँ, आप पढ़ लीजिए ठीक है। कल वाली पढ़ा था आपने, कल जो मैंने भेजा था डेटा टाइप का पीडीएफ उसको पढ़ा था? जी। तो कोई अगर परचेस उसमें उसमें उस कुछ कंफ्यूजन लगे तो बताइए यार। उसमें वो डिक्शनरी के बाद में वो लिस्ट और डिक्शनरी समझ में उसके बाद वाला। देखिए लिस्ट और टूपल जो है उसमें दो ही एक फर्क है, लिस्ट जो है इंडेंस नहीं होता है और टूपल इंडेंस होता है, मतलब कि लिस्ट के अंदर आप वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, एक बार साइन कर दिया ना तो बाद में उसको चेंज कर सकते हैं। टूपल्स के अंदर आप सिर्फ वैल्यू ऐड कर सकते हैं, जो वैल्यू आपने ऐड कर दिया उसको चेंज नहीं कर सकते, बस सिंपल से ठीक है। दोनों में और कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम जैसे एक जैसे अप्लाई है। हालांकि आगे मैं कराऊंगा डिटेल्स में आपको, तो समझ में आए ठीक है, क्लियर है डाउट इसमें? इसमें आगे बढ़ने से पहले ये आपका हो गया, इसमें मैंने आपको मोस्टली सारी चीजें तो करा ही दी है ठीक है ना। अब इसमें हम बात करते हैं थोड़ी सी मैथमेटिकल फंक्शंस के बारे में, कुछ प्री डिफाइंड मैथमेटिकल फंक्शंस है उसके बाद ठीक है। तो क्या है मैथमेटिकल फंक्शंस? देखिए जैसे कि अभी हमने राउंड का फॉर्मूला लगाया है ना, राउंड का फॉर्मूला भी लगाया ना सर, तो राउंड का फॉर्मूले जैसे और क्या क्या फॉर्मूले हैं, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। देखिए मैथमेटिकल फंक्शंस के लिए आपको मॉड्यूल को इंपोर्ट करना, यहां पे आपको लिखना पड़ेगा इंपोर्ट मैथ एज ए एम, या जो भी लिख दीजिए इंपोर्ट मैथ एज ए एम, एम के जगह पे आप जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। अब इस मैथ वाले जो मॉड्यूल जो कि प्री आपका इसको पिप करने की जरूरत नहीं होती है, ऑलरेडी पिप होता है मैथ का, नहीं है तो आप पिप कर लीजिएगा, मोस्टली होता है लेकिन मान लीजिए नहीं हुआ तो आप पिप कर लीजिए ठीक है। उसके बाद आप मैथमेटिकल फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो क्या क्या है मैथमेटिकल फंक्शन, चलिए बता। सबसे पहले है स्क्वायर, ठीक है, यहां पे प्रिंट लगाता हूं, प्रिंट प्रिंट में हम यहां देते हैं एम डॉट स्क्वायर एस क्यू आर। अब एम क्यों लिखे, क्योंकि मैंने यहां बोला था कि
कि अब यहाँ पे सिर्फ लिख देता इंपोर्ट मैथ और इसको नहीं लिखता, तो जहां जहां आप हर जगह पे मैथ मैथ लगता। तो हमने बोला कि इंपोर्ट करो मैथ को और उसको असाइन कर दो एम पे, मतलब इसके नीचे मैथ जो है एम के नाम से जाना जाए। तो एम डॉट स्क्वायर रूट हमने यहां पे कर दिया 60, तो आप देखेंगे कि 4 आएगा स्क्वायर रूट, 4 आया। ऐसे ही देता हूं मैं प्रिंट, प्रिंट में हमने यहां पे दे दिया मान लीजिए फैक्टोरियल एम डॉट, आप टाइप करेंगे आ जाएगा फैक्टोरियल, फैक्टोरियल में मैंने 6 दे दी, तो क्या आएगा रिजल्ट 720। तो 720 क्या हुआ कि 1 × 2 × 3 जो फैक्टोरियल होता है वो फैक्टोरियल आ। उसी तरह से पावर निकालने के लिए भी आप यूज कर सकते हैं कि प्रिंट एम डॉट पावर, PW पावर होता है, मुझे 10 का पावर 2 चाहिए, तो 10 का पावर 2 रन कीजिए, रिजल्ट यहां पे 100 आ जाएगा। ठीक है, पाई का मान चाहिए आपको, प्रिंट एम डॉट पी वाई पाई। ये आपका पाई का मान जो 0.314 करके जो होता है वो आ जाए। ऐसे कॉस थीटा साइन थीटा ये सब यूज कर सकते हैं आप, टेन थीटा। अब यहां पे एक फॉर्मूला आता था, बता देता हूं आपको, प्रिंट प्रिंट में यहां पे लगाते एम डॉट सेल, यहां पे हमारे जहां पे हमने डाल दिया 50 और यहां पे दिया 70, क्या रिटर्न आएगा? नहीं, सेलेक्ट किया मैंने, तो सॉरी सॉरी सेल सेल अलग है सर, वो डेसिमल्स को रिमूव करता है वो अलग है सर। तो यहाँ पे 2.3 कीजिएगा तो रिजल्ट 3 आएगा, मैं वो एक्स वाला सेल समझ रहा था, यहाँ 3 आया, डेसिमल परसेंट प्लेस को ये करता है, बड़ा करता है, अपर किसमें करता है अपर में। अगर इसी को मैं लोअर करूं तो प्रिंट एम डॉट फ्लोर, फ्लोर में से 2 पॉइंट हमने 3 किया तो क्या करेगा, रिजल्ट 3 नहीं देगा, रिजल्ट 2 देगा। ठीक है, तो जो इंट फॉर्मूला आगे डेसिमल रिमूव करते थे उसके जगह पे आप फ्लोर यूज कर लें, अगर आपको राउंड अप करना है तो आप सेल यूज करें। सर हम सेल 2.7 लिखेंगे, मतलब ठीक है। और सर यहाँ वाला मोड आई थिंक नहीं होना चाहिए, देख लेता हूँ, प्रिंट एम डॉट MOD, नहीं मोड ऑफ है, मोड ऑफ क्या करता है, मोड राउंड के, तो राउंड का फॉर्मूला बताया ना आपको मैंने, देखिए राउंड अगर आपको, देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपको राउंड करना है नीरेस्ट वैल्यू देखना है तो आप राउंड का फंक्शन यूज करें जो कि मैंने पहले यूज किया बताया आपको मैंने, कोड देखिए कोड भेजा उसमें। अगर आपको राउंड डाउन करना है या तो इंट कर दीजिए या फिर फ्लोर लगा दीजिए,
ठीक है, राउंड अप करना है तो आपको आप इंट में प्लस वन कर दीजिए या फिर सेल लगा दीजिए, ठीक है। अब मैं देखना चाहता हूँ मोड ऑफ क्या करता है। नहीं, मोड ऑफ अलग है, ये मोड ऑफ अलग है सर। मोड के लिए वहां पे परसेंटेज का सिंबल दिया हुआ है ना सर। अच्छा, अच्छा जी जी बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा, मोड ऑफ जस्ट डेसिमल्स को रिमूव करता है। यहाँ पे 3 पॉइंट हमने कुछ इस तरह से लिख दिया तो रिजल्ट करेगा आपको ये रहा, 3.0। दोनों अलग करेगा, मतलब कि आपको डेसिमल अलग कर देगा और इसको अलग कर देगा, ठीक है ना। दिखाता हूँ, इसको 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 अलग इस तरह से करना पड़ता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एम नहीं देता हूँ मैं, एम तो ऑलरेडी है ना, टी करता हूँ, टी इक्वल टू 3 पॉइंट, इस तरह से इस तरह हमने लिख दिया, राइट। ठीक है, अब यहां पे मैं करता हूं के इक्वल टू एम डॉट मोड ऑफ, और यहां पे हमने टी ले लिया, क्या ले लिया, टी। अब यहां पे प्रिंट करता हूं, प्रिंट प्रिंट में नहीं, प्रिंट नहीं, एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे हमें देना होता है के के कॉमा पी, पी हाँ पी ले करता हूँ। और यहाँ देख, अगर मैं करता हूँ प्रिंट के पी करता हूँ तो पी पे क्या आएगा, विदाउट डेसिमल नंबर आएगा 3.0। अगर के कर दूंगा तो क्या आएगा, डेसिमल, ठीक है सर। ठीक है, तो ये हमारी मैथमेटिकल फंक्शंस थे जो कि मैंने आपको, ठीक है, इसमें एक हालांकि इसका यूज नहीं होता, जीसीटी भी है यूज कर सकते हैं आप, जीसीटी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर होता है, एलसीएम है, एलसीएम यूज कर सकते हैं, लेकिन सबको यूज क्या करेंगे, जो जरूरत पड़ेगी तो आप खुद पे कुछ सीख लेंगे आप। चलिए, आज का टॉपिक खत्म हुआ, अगली क्लास में हम बात करेंगे कंप्लीट इनपुट आउटपुट फंक्शन। हमने इनपुट आउटपुट बारे बताया प्रिंट वगैरह, लेकिन पूरा कंप्लीट में बताऊंगा, जैसे भी मैंने अभी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस एंड ऑपरेटर्स को अच्छे से बताया उसी तरह से आपको बताऊंगा अगली क्लास में।